हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीबडी। आज हम देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर कोर्स का पार्ट 29। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रोज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन फर्स्ट, मैड काउ डिजीज इज़ कॉज्ड बाय वायरियन, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया या एमएलओज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल प्रोटीन्स। मैड काउ डिजीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर इन एडल्ट कैटल दैट मे बी स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू डिजीज मीट। तो इसका मतलब है कि मैड काउ डिजीज जो है एक ब्रेन डिसऑर्डर है, एडल्ट कैटल पे होता है ये, और ये स्प्रेड हो सकता है ह्यूमन में अगर कोई डिजीज मीट खाए। मैड काउ डिजीज का जो असली नाम है, एक्चुअल नेम है इसका, बोवाइन स्पॉन्जी फॉरम इंसी पैलोपैथी, BSE कहते हैं इसे, बोवाइन स्पॉन्जी फॉरम इंसी पैलोपैथी। तो मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ड्यू? पोटोमीटर, डेरोसोमीटर, पिक्नोमीटर या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेरोसोमीटर। पोटोमीटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, और पिक्नोमीटर जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मेजर करता है। क्वेश्चन थर्ड, विच फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंकेट फ्लावर? गैलार्डिया, स्वीट सुल्तान, आइस प्लांट या कॉक्स कॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैलार्डिया। गैलार्डिया जो है एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन फोर्थ, सिनेसेंस इज डिलेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 बुटरिक एसिड, साइटोकाइनिंस या गिब्रेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइटोकाइनिंस। सिनेसेंस क्या होता है? सिनेसेंस और बायोलॉजिकल एजिंग इज द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन फिफ्थ, लिम डाईबैक इन सिट्रस अकर ड्यू टू जिंक, कॉपर, बोरॉन या नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉपर। अगर लिम डाईबैक पूछे तो इसका आंसर है कॉपर, और अगर ट्विक डाईबैक पूछे तो उसका आंसर होगा जिंक। तो याद रखना, सिट्रस में दो प्रकार के डाईबैक, लिम डाईबैक जो होता है वो कॉपर से होता है, और जिंक डाईबैक जो होता है, सॉरी ट्विक डाईबैक जो होता है वो जिंक से होता है। क्वेश्चन सिक्स, सॉल्टेड मीट ऑफ पिग इज नोन एज चिकन, बीफ, बैकॉन या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैकॉन। क्वेश्चन सेवन्थ, वट इज़ द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्कर्फ ऑफ पटेटो? अल्टरनेरिया सोलानी, राइजोसिटोनिया सोलानी, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइजोसिटोनिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो, और फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस होता है लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो का कैजोटिक कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन एट, पूसा मेगाली इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, रेडिश, कैरेट या वाटरमेलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैरेट। अगर पूछे हम फोर्किंग टर्म इज रिलेटेड विद विच क्रॉप, तो उसका भी आंसर जो होगा वो कैरेट होगा। फोर्किंग टर्म कैरेट और रेडिश से रिलेटेड है। फोर्किंग क्या होता है? एक डिसऑर्डर टाइप का है। फोर्किंग को इलॉन्गेटेड रूट भी कहते हैं। द डिसऑर्डर इज ड्यू टू द एक्सेस मॉइस्चर ड्यूरिंग द रूट डेवलपमेंट ऑफ रेडिश एंड कैरेट। तो फोर्किंग टर्म जो है वो रिलेट करती है रेडिश और कैरेट से। क्वेश्चन नाइन्थ, स्कफिंग टर्म इज रिलेटेड विद विच क्रॉप? कैरेट, कॉफी, पटेटो या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉफी। क्वेश्चन टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन सॉइल? साइनोबैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, राइजोबिया या नाइट्रोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।